कोटा जिले की रामगंज मंडी में मंगलवार को पालिका के सामने पार्षद जयविंदर सिंह विक्की ने दो दिवसीय क्रमिक धरना शुरू किया, जिसमें पालिका ईओ पर भ्रष्टाचार और धांधली का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पालिका में कांग्रेस का बोर्ड है और धरने पर बैठने वाला पार्षद भी कांग्रेसी है। ऐसे में पार्षद जसविंदर ने कहा कि मैं कांग्रेस बोर्ड के खिलाफ नहीं बल्कि अधिशासी अधिकारी के खिलाफ हूं, जो सफाई कर्मचारियों से लेकर मकान पट्टे और बागवानों में भ्रष्टाचार किया है, जिसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही चेयरमैन देवीलाल सैनी ने अधिकारी के पक्ष में कांग्रेस पार्षदों की बैठक बुलवाई, जिसमें पार्षदों ने बैठक में कांग्रेस बोर्ड में अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बेबुनियादी बताया गया। साथ ही पार्षदों ने कहा कि कांग्रेस पार्षद जसविंदर को निलंबित करने की मांग को लेकर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की जाएगी। अनियमितताएं हैं और पट्टों में बहुत धांधली की जा रही है, पट्टों की जांच करवाने के संबंध में। उसके बाद में कई कर्मचारियों की पर्ची तनख्वाह यहाँ से उठ रही है। 7 बागवान एक साल से लगे हुए, लेकिन घास का एक तिनका रामगंज मंडी नगर में किसी बाग में नजर नहीं आता, क्योंकि बाग इस प्रकार से सफाई व्यवस्था में भी सफाई व्यवस्था नहीं है, लेकिन 35 कर्मचारियों की तनख्वाहें उठ रही है। ये पैसा कहाँ जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। अधिशासी अधिकारी महोदय पिछले 21 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं लगातार, जबकि उनकी यहाँ पे ATP के पोस्ट नहीं है। उसके बावजूद जब वो अपने घर से अप डाउन करते हैं, नगर पालिका भवन में बने हुए कमरे का इस्तेमाल करते हैं, उसके बावजूद भी वो किराया उठाते हैं सरकार से, जो कि असंवैधानिक और गैरकानूनी है। इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं। नगर पालिका की सब्जी मंडी में आढ़तियों ने कब्जा कर लिया, शटर लगा के पक्की दुकानें तक बंद। इस प्रकार के ऐसे कई मुद्दे हैं जिसकी अनदेखी नगर पालिका अधिशासी अधिकारियों द्वारा लगातार की जाती रही है। निर्माण स्वीकृति के बिना जो है मकानों के निर्माण हो जाते हैं, जिससे राजस्व का घाटा होता है। कृषि कॉलोनियों में अनकन्वर्टेड कॉलोनियों में मकान बनाए जा रहे हैं, कभी अधिशासी अधिकारी ने उनको नोटिस देकर यह नहीं कहा कि भैया इनको कन्वर्ट कराइए ताकि सरकार में पैसा है। उल्टा नगर पालिका द्वारा यहाँ से पैसा लगा लगा कर वहाँ पर पक्की सड़कों का निर्माण करा के उनको लाभ दिया जाता है। इस प्रकार कैसे कई मुद्दे कि पार्षद जसविंदर सिंह जो आरोप लगा रहा है, अगर वो कुछ लगा भी रहा है और नगर पालिका कहीं गलत है तो उसकी जांच की उसने जो लिखी है कि मैं जांच कराना चाहता हूं, तो भले जांच कराए। चेयरमैन साहब गलत नहीं है, ईओ साहब गलत नहीं है, फिर भी अगर वो मानता है कि नहीं साहब गलत है या वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं नगर पालिका, ये वो उनने 2-5-10 आरोप जो लगाए हैं वो हम सब पार्षदों की तरफ से तो बेबुनियाद है, और फिर भी अगर वो लगाना चाहता है तो जांच करवा ले निष्पक्ष। चेयरमैन साहब यहीं बैठे हैं, कह दिया इन्होंने भी, ईओ साहब ने भी, कि हम कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, और इसी वजह से पार्टी को बदनाम करने में लग रहा है, तो पार्टी से उसको निलंबित किया जाए, हमारी तो यही मांग है। जी मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आपका कांग्रेस का बोर्ड है, अगर आपको कुछ भी समस्या है और वो जायज़ है तो आप सब पार्षदों के सामने उसकी मांग रखिए। इस तरह से बाहर जो आप धरना कर रहे हैं और अपने ही बोर्ड की बदनामी कर रहे हैं, जिस सरकार ने जिस कांग्रेस ने आपको टिकट दिया आप उसी के खिलाफ जा रहे हैं, तो ये चीज़ कितनी गलत है। दूसरी बात, बोर्ड मीटिंग में भी वो हमेशा बदतमीजी करते हैं, अपनी सीट उठ के छोड़ देते हैं, आके बीच में बैठ जाते हैं, ये तरीका गलत है। यहाँ महिलाएँ भी होती हैं, अभद्र शब्दों का उपयोग करते हैं, ये चीज़ें सारी गलत है। इसलिए उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई हो या कोई सी भी कार्रवाई हो, जो भी जरूरी है वो की जाए। हम सब चेयरमैन साहब के साथ हैं।